उन्होंने बच्चों को आज से जो कि पांचवी में आपको कुछ संख्याएं बता रही हूँ जिसने एक संख्याओं को विस्तारित किस प्रकार से होता है और संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में किस प्रकार से होता जाता है यानी आवधि और अवरोही क्रम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। संख्याओं को विस्तारित रूप में हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। ठीक है, फल जैसे 556 है, अब इसको विस्तारित रूप में लिखना है तो हमें पता है ये इकाई, ये दवाई और ये सैकड़ा, इस तरीके से होगा। कैसे लिखेंगे? पांच कितने डिजिट है आगे? दो डिजिट है तो यहाँ कितने जाएंगे? दो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 50 प्लस 6 तो इनको ऐड करेंगे तो आपको कितना देंगे? 556। ठीक है, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, 5233। अब देखो बच्चों कितनी संख्या है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये लेंगे पहले 5। अब कितने डिजिट है? 1 2 3 तो जीरो कितने जाएंगे? 3। ठीक है, प्लस अब इकाई, दहाई, सैकड़ा तो यहाँ पर कितने आएंगे? 2 के बाद में कितनी डिजिट है? कितनी संख्या है? 2 संख्या है तो यहाँ पर कितने जाएंगे? 2 जीरो जाएंगे। समझ आया ना? अब तुमको 3 लिख दो यहाँ पर, प्लस 3, इसके बाद में कितनी संख्या है? 1 ही संख्या है तो कितने जीरो जाएंगे? यहाँ पर 1 जीरो जाएंगे और जो लास्ट में 3 बन जाए वो उसे लिख देंगे। तो हो गया ना इसका 5233। अब इनको प्लस करने पर, इनको प्लस करने पर वापस दो संख्या आएगी, यही संख्या है तो 5200 + 30 + 3। समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट 6567। अब इसको पहले क्या इकाई को कह देते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो कितने हैं? 6000 है तो 6 डिजिट कितनी है? 1 2 3 संख्या कितनी बची? 3 संख्या बची तो 3 जीरो लिख दो यहाँ प्लस। अब यहाँ पर क्या बचा? 5, ये 5 लिखो। संख्या कितनी बची? 1 और 2, दो संख्या बची। अब कौन सी है? 6। इसकी 6 के बाद में कितनी संख्या बची? 1, 1 जीरो आ जाएगा और जो 8 बचा है प्लस 8। इस तरीके से क्या हो गया? 6568। ठीक है, अब एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका। 7856 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, कितने हैं? 7, तो 7 लिखो। इसके बाद में संख्या कितनी है? 1 2 3 जितनी संख्या होती है उसके आगे कितने जीरो देंगे? कितनी जीरो ही आ जाएगी तो कितनी संख्या? 3, तो 3 जीरो देंगे, 7 के आगे 3 जीरो आ गई। अब 8 लिखेंगे यहाँ पे, 8 के बाद में कितनी संख्या है? 2, तो यहाँ पे जीरो कितने जाएंगे? 2। 5 के आगे कितनी संख्या है? 1, तो यहाँ पे जीरो कितने जाएंगे? 1। 6 के आगे कितनी संख्या है? 1 3, तो यहाँ पर 6 बच गया तो 7856। ठीक है बच्चों, अब समझ आ गया होगा आपको, वापस रिपीट करवा दूंगी आपको। पहले ले तो देखो आप, ठीक है, दूसरा सवाल देखो। संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखो, छोटे से बड़े यानी आपके क्रम में लिखना है, छोटे से बड़े लिखना है तो 1 से लेकर नीचे तक जाएंगे, ये नहीं नीचे से ऊपर आएंगे वो तो क्या जगह आप वो ही क्रम हो जाएगा। हमें क्या सेंटीकॉन्टर लिखना है ना, तो सेंटीकॉन्टर में क्या होता है कि छोटे से बड़े लिखते हैं। अब इस संख्या में देखो सबसे छोटा कौन सा है, कौन सा बताओ? 42, 42 सबसे छोटा है तो 42 सबसे पहले आएगा। फिर कौन सा है इसमें छोटा सबसे? 50,
ये आरोपी।